और पढ़ाई का भी खर्चा खुद से नहीं करना होता। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, दो दो दिन तीन दिन उपवास करना पड़ता था। फिर मैं दिल्ली में गया, लिट्टी चोखा बेचा, लोगों का झूठा धोता था। कई सारे स्टारों के घर में मैं नौकर भी रहा हूँ, बड़े बड़े स्टारों के घर में मैं नौकर रहा था। इसलिए रहता था कि एक स्टार के साथ को ये बड़ी लागत थी कि हाँ उसके साथ होता है। पर संघर्ष की जीवन मुझे लगता है कि आज मेरे पास कुछ तो है जो मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ, इस दुनिया को बता सकता हूँ कि मेरे पास मेरी अपनी कहानी है। शायद मैं अगर बड़े घर से होता तो मेरी कोई कहानी नहीं होती, और जिसकी कहानी होती है वही इतिहास होता है। क्योंकि मेरे पास एक कहानी है और वो कहानी इतिहास से कम नहीं है, और इतिहास उसी का बनता है जो संघर्ष करता है। मुझे लगता है कि मेरा इतिहास संघर्ष की वजह से ही बना है, तो मेरी दुख नहीं थी। मुझे लगता है कि वो एक रास्ता था और उस तकलीफ के रास्ते से आकर ही मैं आज एक अच्छी जगह पर पहुँच पाया और आप सबका प्यार पा रहा हूँ। इतनी सारी जनता, मुझे लगता है कि भोजपुरी में 80-90% प्यार मुझे मिलता है, उसके बाद 10% में सब लोग। तो ये प्रॉब्लम है आपके जीवन का कि आप कुछ करना नहीं चाहते और चाहते हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए। विदाउट कष्ट पूरे जीवन में दर्द का एहसास तभी होता है जब आपको जख्म होती है, और उस जख्म से उभर के आने के बाद आप तरोताजा हो जाते हो। तो मेरे लिए वो जख्म नहीं, मेरे लिए वो ऐसा दर्द था कि वो मेरे कामयाबी का सीढ़ी था, और मैं हमेशा तकलीफ को कामयाबी की सीढ़ी मानता हूँ। वो प्रोसीजर है हमारे जीवन का, जो कि पेपर है, भगवान के पास पहुंचने में टाइम तो लगा था। तो अंतर इतना है कि प्रधानमंत्री के पास एक पेपर पहुंचाना हो तो बहुत सारे टेबल पर गुजरती है, तब जाके आपका फाइल क्लियर होता है। वैसे ही जीवन का ये पेपर है, कई सारी जगहों पर जाता है। आप अगर हर जगह उभरते जाते हो, उभरते जाते हो, तो अंत काल में कहीं ना कहीं ईश्वर के पास पहुँचता है और आपको एक अपनी मुकाम मिलता है। मेरे जीवन में मैंने कम से कम 5,000 गाने गाए, और 5,000 गाने में कम से कम मुझे लगता है कि 2,500 गाने तो सुपर हिट होंगे। सिनेमा अगर मैंने 75 के आसपास किया, उसमें से 10 फ्लॉप होंगे तो बाकी के सारे हिट। तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती है, तो कितना गाँव कम है। बस एक मेरा गाना था बहुत बड़ा, अभी 2 साल पहले ही रिलीज हुआ था, ठीक है शायद आज नहीं सुना। उससे पहले मेरे जीवन की शुरुआत थी अशोलगर में शादी रचा में गाना गया। उसके बाद इतना बहुत बड़ा हिट हुआ गाना, उसके बाद लगातार में रुका नहीं। और अपने जीवन में मैं एक चीज़ अगर मेरी चल जाती है तो मैं उसके पीछे भागता नहीं, फिर नया मुझे क्या करना है मैं कुछ पीछा धारा नहीं सकता हूँ। मैंने एक मकान बना दिया तो मैं दूसरे मकान बनाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि बस उसी मकान को इंटीरियर करना है मुझे, नहीं। मुझे मेरी एक भूख है काम करने की, मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि मैं बैठूँ नहीं, मैं सोऊँ नहीं, मैं सिर्फ काम करूँ, क्योंकि मेरा काम ही मुझे बड़ा बना सकता है। और मैं जुबान से किसी को छोटा नहीं बनाता, अपने काम से छोटा बनाता, मेरी कोशिश ये है। बिहार चुनाव में आपने जिस भी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है वो लोग जीते हैं, तो आप क्या मैं ऐसा मानूं कि आप आगे चलकर राजनीति में आने वाले हैं? देखिए बिहार चुनाव में मैं जहाँ गया हम लोगों को विजय मिली है और बहुत अच्छे ढंग से मिली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनका अपना भी पब्लिक है और ये लोगों का प्यार है, वो मेरी जीत नहीं है, ये उनकी जीत है कि अच्छे इंसान को उन्होंने चुना। और जहाँ तक चुनाव की बात है, जहाँ जिस पार्टी में किसी पार्टी का आदमी, मेरा विचारधारा जिसे मिलता है और जिसके विचारधारा में मैं आता हूँ, मुझे लगता है वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर उसमें मेरे अपने भी हो सकते हैं, गैर भी हो सकते हैं, तो जिसके विचारधारा मेरे से मिलेंगे, मेरी विचारधारा जिसे मिलेगी, शायद उसके लिए काम करेगा। आपने बीजेपी की ओर से प्रचार किया था, तो बंगाल में अगर हम ऐसा माने कि आप बीएमसी की ओर से प्रचार करेंगे तो क्या मेरा मानना सही है? देखिए मेरे कहने का मतलब क्या बोला आपसे कि मेरे लिए बीजेपी भी उतनी ही सक्रिय है, कांग्रेस भी उतनी ही है, आरजेडी भी है, जदयू भी है, बीजेपी भी है, बीएमसी भी है, हमारा ही परिवार है। और एक कलाकार के होने के नाते मुझे लगता है कि हमारे लिए पार्टी मायने नहीं रखता, वो इंसान मायने रखता है जिसके साथ हम काम करते हैं। क्योंकि देखिए पार्टी आज है कल नहीं है, लेकिन जनता हमेशा आपके साथ रहेगी। तो मेरे लिए हर पार्टी का जनता मेरा अपना है। पार्टी कब कहाँ जाएगी, कौन कहाँ चला जाएगा, ये पार्टी है, ये राजनीति है, और राजनीति में मैं हूँ नहीं। हाँ, जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए कोशिश करता है आदमी जी, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करे, जो अपनी पावर स्टार पावर है या लोगों का प्यार पावर है मेरे पास, उस प्यार को थोड़ा सा किसी और के साथ शेयर करें। हमारे संघ के दर्शकों
पाठकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो न्यूज है कन्या के लिए समाज के लिए आईना होता है और हम अपनी बातें रखने का सबसे बड़ा जरिया होता है और सम्मान के जितने भी लोग हैं थैंक यू सबको सम्मान के साथ इसका नाम ही जब सन्मार्ग है तो सबके पास मुझे लगता है कि मार्ग है यहाँ मार्ग और यही एक मार्ग है जो जनता तक पहुँचाने का अपना विचारधारा का मार्ग है। सन्मार्ग को ढेर सारा प्यार और सत्कार भी करिए, प्यार दीजिए, फॉलो करिए और अगर हर स्टार को प्यार देना है तो कहीं ना कहीं खेसारी का आपके पास आ जाएगी, कभी ना कभी और लोग भी आएंगे इस सन्मार्ग के धरती में, सन्मार्ग के ऑफिस में, सन्मार्ग के चैनल पे, सन्मार्ग के टीवी पे, हर न्यूज़ पे अगर आपको प्यार मिलता है मुझे लगता है कि एक सन्मार्गी है जो कि मुझे लगता है कि 2 से 3 करोड़ डेली का एक पेपर मिलता है और लोग इसके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा है। ईश्वर से प्रार्थना मिली रहेगी आने वाला भविष्य बहुत बड़ा हो, मैं दुआ ही कर सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं कुछ भी नहीं दे पाता, इसीलिए दुआ है।